अरे मैं तो कहता हूँ अब तुम यहीं आ जाओ, इतना बड़ा घर है, कब से कह रहा हूँ, वहाँ के मामला हम पर छोड़ दो। नौरीन की बुशरा है, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है और कितनी प्यारी। नौरीन ये भाभी जान है, अपने इसहाक भाई की बीवी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाभी। इसहाक भाई का सुन के बहुत अफसोस हुआ, मुझे तो इतला ही नहीं मिली, अगर मिली होती तो मैं जरूर आती। बस जो अल्लाह को मंजूर, हमें तो खुद अपना होश नहीं था, किसी को क्या इत्तला देते। वैसे ये मिलाप इसहाक की जिंदगी में हो जाता तो वो बहुत खुश होते, लेकिन अभी भी उनकी रूह खुश होगी हम सबको इकट्ठे यहाँ देखकर। जी नौरीन, ये मेरी बहू नौशीन है। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। अम्मी मैं जरा खाने का पता कर कर आई कि क्या बंदोबस्त है, मैं भी चलती हूँ। भाभी जान ये बुशरा कैसी रहेगी अपने अफजल के लिए? इश्फाक तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। माशाल्लाह बुशरा तो बहुत प्यारी है और मेरे अफजल के साथ तो उसकी जोड़ी बहुत जचेगी। यानी कि आपको भी कोई एतराज नहीं है? और नौरीन तुम बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है? जी भाई साहब, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, बुशरा आपकी बेटी है, जो आप भी कर समझे। यानी मंजूर है, ये तो दोहरी खुशी हो गई। तो इन सब लोगों को भी शामिल करना चाहिए इस खुशी में, हैं? देखिए भाई, मुझे आप सबको ये बात बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैंने अपने भतीजे अफजल की शादी अपनी भांजी बुशरा के साथ तय कर दी है। जल्दी आप लोगों को दावतनामे मिल जाएंगे, आप लोगों से शिरकत की दरखास्त है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। बेटा लगता है तुम भी मेरे फैसले से खुश नहीं हो औरों की तरह, लेकिन मेरा फैसला सही है ये बात मैं साबित करके रहूंगा, अफजल बुशरा को खुश रखेगा। जिंदगी के कुछ फैसले इंसान को सही साबित करते हैं और कुछ फैसलों को सही साबित करने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? गलत फैसलों का बोझ इंसान को अंदर ही अंदर मार देता है। इंसान अपनी अना को अपनी बका समझ बैठता है। कि तुम लोग ये क्यों नहीं समझते कि अफजल पहले जैसा अफजल नहीं रहा? भाई साहब के गुजर जाने के बाद मैं ही वाहिद सहारा हूं उसका, तो क्या उसका मेरे ऊपर हक नहीं बनता? आपके दिल में अफजल के लिए नरम गोशा है, मैं जानती हूँ आप, लेकिन इस हक की अदायगी में एक और जिंदगी भी शामिल है। मैं बुशरा को एक और दिलकश बनते हुए नहीं देख सकती। अब दिलकश बेटा, अफजल ने माजी में जो कुछ भी किया वो उस पर शर्मिंदा है, सिद्क़े दिल से माफी मांगी है उसने। दिलों के भेद तो खुदा ही जानता है ना अब्बा, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपने बुशरा के लिए जो फैसला किया है वो नया नहीं है, अधूरा है। ये वही अधूरा किया गया फैसला है जो कुछ साल पहले आपने मेरे और अफजल के बीच किया था। उस वक्त आप गलत साबित हुए थे,
और मुझे डर है कि कहीं इस बार भी आप गलत ना साबित हो। कोई तुक होती है गैर जिम्मेदारी की, पता नहीं मौसूफ कहाँ गायब है। अब मैं क्या करूं, मैंने थोड़े भेजा जो मुझे बातें सुना रहे हैं आप, मैं तो खुद परेशान हूं। हद कर दी आज इस लड़के ने, नाक कटवा दी हमारी। कहाँ गए थे तुम, कितने फोन किए तुम्हारी माँ ने, कम से कम फोन तो उठा लेते। दिलकश के घर में एक एक फर्द ने तुम्हारे बारे में पूछा, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है हमें। समर कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो, कहां थे तुम? एक मसले में फंस गया था। ओ भाई मसला था तो हमें बता तो देते। और नहीं तो क्या, दिलकश बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अच्छा नहीं किया तुमने उसके साथ। हमने सोचा था कि तुम्हारे साथ जाएंगे, इतने सारे तोहफे तहाइफ लिए गए, मजबूरन हमें अकेले जाना पड़ा। अच्छा किया कि आप लोग चले गए। बात सुनो, कोई बात हुई दिलकश से तुम्हारी? हाँ समर बताओ, दिलकश से कोई नाराजगी चल रही है, कोई झगड़ा हुआ है क्या? अम्मा दिलकश और मेरे बीच में अब कोई झगड़ा नहीं होगा। तो फिर बस फैसला होगा। फैसला? कैसा फैसला? ओ भाई पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो, साफ साफ बताओ क्या बात है। मैंने दिलकश को तलाक देने का फैसला कर लिया है। क्या? क्या? क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जो मैंने कहा आप लोगों ने सुन लिया। मुझे तो लगता है इस लड़के का दिमाग खराब हो गया। उदास इतने समर, तुम तो वकील के पास गए थे ना, क्या हुआ? तुम्हारा इंसान किसी भी हाल में ना खुश नहीं होता। जब किसी चीज को हासिल करने की जुस्तजू में होता है तो ना हासिल को लेकर ना खुश, और जब उसी चीज को हासिल कर लेता है तो हसूल को लेकर ना खुश। तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज ना मैंने अपने एक और दोस्त को खो दिया। कौन दोस्त? दिलकश, मेरी बीवी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मेरी सबसे बढ़कर हमदर्द। मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त, मोहब्बत तो हुई ना तुम्हारी, दोस्त होने की भी सारी खुशी दूंगी तुम्हें। और वैसे भी तुम तो उसकी खुशी के लिए कर रहे हो ना, दोस्ती में कर रहे हो, तो फिर दो कैसा, हाँ खुश हो रहना तुम्हारा, तुम मुझे ना खुशी रहने। जाने क्या है ऐसे इस दिलकश में जो उसके दिल से नहीं उतरती। अफजल की शादी बुशरा के साथ, इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया उन्होंने? ना बुशरा के वालिद और ना ही अफजल के, दोनों यतीम और बेसहारा हमारे दर पर आकर बैठ गए। इनाम बाप है वो तुम्हारे,
इस घर के मालिक, वो जो भी फैसला करे। अच्छा, यानी आप खुश हैं उनके फैसले से? हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं, वो कोई भी फैसला करे। लेकिन अम्मी, इसके बाद क्या अंजाम होगा ये सोचा आपने? क्या होगा, इस घर का बंटवारा और क्या होना? आगाज अभी हुआ नहीं और अंजाम की तुम्हें फिक्र पड़ गई। अभी तो उन्होंने बुशरा और अफजल की शादी का फैसला किया है। शादी हुई तो नहीं ना? शादी भी हो जाएगी। मैं जानता हूं मेरे इस फैसले से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है इनाम, लेकिन अगर तुम सच जान लो तो शायद मेरे दर्द को समझ सको। अफजल ने माजी में जो कुछ गलतियां की वो उनकी तलाफी चाहता है, शर्मिंदा है। शर्मिंदा। और दूसरा ये कि नौरीन मेरी बहन है, एक भाई होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब उसके शौहर के मरने के बाद उनका कोई सहारा नहीं, मेरे सिवा कौन वाली होगा उसकी बेटी का? ऐसे में अफजल और बुशरा की शादी कर देना गलत तो नहीं? दो बेसहाराओं को एक दूसरे का सहारा बना देना जुर्म तो नहीं? मैं आपके साथ हूं, आप जो भी फैसला करेंगे। मुझे यकीन था कोई मुझे समझे ना समझे, रानी मुझे जरूर समझे। और मेरे इस फैसले से किसी की हकतलफी नहीं होगी, जो तुम्हारा हक है इनाम वो तुम्हारा ही रहेगा। समर मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या वजह हुई जो वो कल नहीं आया? और अगर नहीं आ सकता तो कम से कम एक बार फोन ही कर सकता था। दिलकश, दिलकश। जी भाभी। कहिए, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। समर के बारे में सोच रही हूँ। मुझे पता है तुम समर के बारे में सोच रहे हो। दिलकश, एक बात कहूँ, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मायरा ने फिर से कोई चाल चली है। कल तुमने देखा था कितने खुश थे वो, लहक लहक के बातें कर रही थी। जरूर मायरा की कोई चाल। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। अच्छा, कैसा नहीं है? तुमने नहीं देखा कितना चहक चहक के वो फिर रही थी? इतना कौन खुश होता है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, वो हमारी खुशी में खुश थी। कौन खुश था और कौन खुश होने के एक्टिंग कर रहा था मुझे नजर आता है, पागल नहीं हूँ। तुम्हें याद नहीं मायरा ने माजी में तुम्हारे साथ क्या किया था? उस पे भरोसा मत करना, बहुत चालाक लड़की है वो। मेरा दिल नहीं मानता भाभी, बदल चुकी है। इंसान की आदत बदल सकती है, रवैये बदल सकते हैं, लेकिन फितरत नहीं बदलती है। खैर, तुमने समर से पूछा कि वो इतने नखरे क्यों दिखा रहा था? हाँ भाई, उसकी कौन सी पहली औलाद है जो उसको इतनी एक्साइटमेंट हुई? उसकी तो पहले भी औलाद हो चुकी। दिलकश, दिलकश क्या हुआ? सॉरी, मैं बिना कुछ भी बोलती रहती हूँ। तुम ठीक? चक्कर आ रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा। आजो आजो, डॉक्टर डॉक्टर पे चलते हैं। आजो अम्मी, अम्मी जी। क्या बात है डॉक्टर, कोई सादा फिक्र वाली बात तो नहीं? फिक्र की तो बात है मिसेस समर, आपके बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है। इतने वीक्स की प्रेगनेंसी में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होनी चाहिए, यहाँ तो इसका बिल्कुल उलट है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं रेस्ट भी करती हूँ, खाना पीना भी बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखती हूँ अपना। तो इसका मतलब है फिर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है? आपको कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लेकिन मैं तो कोई दवा नहीं ले रही। देखिए मिसेस समर, मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप अपनी केयर करें। बच्चे का हेल्दी होना बहुत जरूरी है,
कमजोर और बीमार बच्चा तो फिर सारी उम्र के लिए माँ बाप के लिए आजमाइश होता है। डॉक्टर आप प्लीज कोई मल्टी वाइटामिन लिख देती है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इनको दवाएं लिख देती हूँ, आप इनको भी इस्तेमाल कर लें। ठीक है, थैंक यू। तुम क्या ये बच्चा नहीं चाहती हो? आप शक कर रही हैं मुझ पे? मैं सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? क्यों है बच्चा इतना कमजोर? हम लोग तुम्हारा इतना ख्याल तो रखते हैं, कौन सी कमी रह गई है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, जो है आपके सामने है, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अपना। अब बच्चा कमजोर क्यों है कि मैं नहीं जानती। कहीं डॉक्टर की स्ट्रेस वाली बात ठीक तो नहीं? दिलकश कौन सी मेडिसिन खा रही हो तुम? किस चीज की कमी है तुम्हें? इतना अच्छा शौहर है, इज्जत मिली हुई है, हम लोग भी तो तुमसे इतना प्यार करते हैं, क्या हो गया अगर एक सोतन है तो? फिलहाल स्ट्रेस मत लो। भाभी यकीन करें मैं कोई दवा नहीं ले रही। भाभी क्या कर रही हैं आप? क्या करती रहती हो, चक्कर आओ जो मामा? क्या कर रही हैं भाभी, क्या ढूंढ रही हैं? ये किस चीज की मेडिसिन है? क्यों खाती हो तुम ये मेडिसिन? अल्लाह मेरे या मेरे मालिक तू रहम फरमा। ओए अल्लाह मेरे। रश्मा जी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी मैं ठीक हूँ, बस सर में दर्द है। तुम्हें तो सख्त बुखार है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हलीम साहब समर कहाँ है? उसे कहें खुदा के वास्ते दिलकश पर ये जुल्म ना करे। तुम अभी ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है नजमा। आप समर को समझाए ना, वो ऐसा ना करे। अरे वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। कल रात जब उसने ये मुझे बात बताई है तो कुछ देर के लिए मैं अपने हवासी में नहीं रहा, और अब सुबह से उसका कुछ पता ही नहीं है, न जाने कहाँ है वो। यार ला ये सब क्या हो रहा है? दिलकश तलाक कब सुनेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। दिलकश उम्मीद से भी तो है, खुदा ना खास्ता बच्ची को कोई नुकसान ही ना पहुंच जाए। अच्छा सोचो नजमा, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। और तलाक के मामला इतनी जल्दी हल नहीं हो जाते, कोर्ट के कचहरी में टाइम लगता है। हलीम साहब आप मरते ये बातें आप ही जाने, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ तलाक के नाम से ही औरत टूट जाती है और उसके दिल में जो दरार पड़ती है वो मरते दम तक कायम रहती है। नजमा नजमा तुम ज्यादा मत बोलो, तबीयत और खराब हो जाएगी। क्या हुआ आंटी को? तबीयत ठीक नहीं है नजमा की, रात से तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर जावेद को फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं पिक कर रहे, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। समर कहाँ है? समर घर पर तो नहीं है, मैं चलूँ आपके साथ? तुम घर पर रुको और मुनसिफ को देखो, मैं अस्पताल लेके जा रहा हूँ। नजमा को तुम समर को इतला कर देना। जी ठीक है। वो समर ने कुछ बताया तुम्हें? किस बारे में? वो दिलकश को क्यों तलाक दे रहा है? ये आप क्या कह रहे हैं, आपको किसने बताया? कल रात जब उसने मुझे ये इत्तला दी है तब से नजमा की हालत बहुत खराब है। तुम जानती हो कि दिलकश से ये कितना प्यार करती है। तुम समझाओ बेटा मायरा, समझाओ समर को। तो रिश्ते बनाना मुश्किल काम नहीं है, निभाना असल काम है। और फिर कोई वजह भी तो जिसकी बुनियाद पर बना बनाया रिश्ता खत्म किया जाए। तो कोई वजह ही होगी जो इतना बड़ा फैसला समर कर रहे हैं। तुम वजह बता सकती हो मुझे? आप मुझसे क्यों पूछें, जाके दिलकश से समर से पूछिए। दिलकश से? दिलकश से क्यों? क्या पता
वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती हो कि वो उसे आजाद कर दे, क्या पता वो मुझे और मेरे बच्चे को इस घर में बर्दाश्त ना कर रही। नजमा चलो चलो अस्पताल चलो, अपने आप को संभालो नजमा, उठो हिम्मत करो अस्पताल चलो। बच्चे के लिए तो ये जहर है, इसी के इस्तेमाल से आपका बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, और इससे तो आपकी जान को भी खतरा है। ये आपको दिया किसने? दवाई है, अम्मा लाई थी मेरे लिए किसी अच्छे हकीम से, तुम खाओ इसे रोज, तबीयत ठीक रहेगी तुम्हारी। क्या खा रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। दलिया मायरा ने खुद बनाया अपने हाथों से। अरे वाह, तो लाओ फिर इसी बात पे एक चम्मच मुझे भी चेक कराओ कैसा है। हाँ समर, तुम नहीं खा सकते ये। मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में अगर मैंने तुम्हारा तिल दुखाया तो माफ कर दो मुझे। कुछ भूल जाओ, मैं भूल गई हूँ ना, तुम भी भूल जाओ। दिलकश मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुमने अपनी सुल्तान का कैसे भरोसा कर लिया? अब देख लिया तुमने नतीजा। भाभी मैंने तो उसे हमेशा अपनी दोस्त समझा, सबसे करीबी दोस्त, और उसने मेरे साथ। मैं तो कहती हूँ अभी चलो समर के पास, उससे जाकर सारी असलियत बताते। उसने तुमसे तुम्हारी औलाद छीनने की कोशिश की, अभी चलो और समर को सब बताते। नहीं, चलो। नहीं भाभी, मैं नहीं चाहती कि इस बात का समर को पता चले। लेकिन दिलकश, भाभी समय मायरा से बहुत मोहब्बत करता है, तो मैं उसे उसकी मोहब्बत छीन नहीं सकती। दिलकश मायरा तुम्हें बर्बाद करने पर तुली और तुम हो कि उसे? मुनसिफ बहुत छोटा है भाभी, मैं नहीं चाहती कि वो बिन बाप के पले, और आप तो जानती हैं ना वो समर गुस्से का कितना तेज है। तुम्हें अभी भी मायरा और उसके बच्चे की पड़ी, अपनी औलाद का कोई ख्याल नहीं? पता नहीं किस मट्टी की बनी हो तुम। सही है, अगर तुमने समर को कुछ नहीं बताना तो मैं उसे खुद जाकर बताऊंगी, उसे भी तो पता चले मायरा की असलियत क्या है। भाभी एक बार एतबार टूटे तो दोबारा जुड़ता नहीं, अगर ये सच्चाई समर को पता चल गई तो उसका एतबार टूट जाएगा, और वो कभी दोबारा मायरा पे एतबार नहीं कर सकेगा, और ना ही कभी मोहब्बत। ये तुम्हारा मसला नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा सौरभ ने तुमसे तुम्हारी औलाद छीनने की कोशिश की है और तुम उसे माफ करने पर तुली। मेरी समझ से बाहर हो। हेलो, कैसी है मेरी बच्ची? कैसी होंगी अम्मा? आपकी बेटी पूरा दिन या तो मुनसिफ का दूध बनाती रहती है या उसे चुप करवाती रहती है, बहुत रोता है आपका नवासा। बेटा बच्चे तो रोते ही, उन्हें अपनी बात मनवाने का फन बहुत अच्छी तरह था। हाँ लेकिन अपनी अम्मा के आगे जोर चलता है ना उसका। अरे तो माँ ही तो अपने बच्चों की जिदें पूरी करती है, अपना बचपन भूल गई है क्या? अच्छा ये बता कब आ रही है? मुनसिफ बहुत याद आ रहा है, कितने दिन हो गए उसे देखा ही। अच्छा तो अपने नवासे की याद आ रही है, मुझे लगा अपनी बेटी की याद आ रही है। देखो बेटा असल से ज्यादा सूट प्यारा होता है ना, तुम्हें भी मिस करती हूँ। अभी मैं तुम्हारे बचपन के कपड़े निकाल के देख रही थी, सोच रही हूँ ये सारे कपड़े मैं मुनसिफ को पहना के देखूं। अच्छा तो क्या अपने नवासे को लड़कियों के कपड़े पहनाएंगे?
मैं अम्मा आपको कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके तुम लोग मेरे आने पे इतना धजका क्यों लगा तुम? इतना ताज्जुब क्यों हुआ? खुशी नहीं हुई मेरे आने पे? ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है दिलकश। ये तुम कह रहे हो लेकिन मानती नहीं कि ये इसका भी घर है। क्या कह रही हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी तरफ देखो माया और कह दो कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मेरे साथ समर को बांटना तो दूर, उसके साथ मेरा नाम भी गवारा नहीं है तुम्हें। और अपनी इस नाजायज खुशी को पूरा करने के लिए तुमने मुझसे मेरी जायज खुशी छीनना चाहिए। उस मासूम की जान लेना चाहिए जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। ये सच है मायरा? ये तुम क्या कह रही हो? ये सच है? हाँ ये सच है। कितनी बार और कितने तरीकों से तुम्हें बताऊं मैं? हाँ किस समर से मैं मोहब्बत करती हूँ। जिंदगी है वो मेरी, उसकी खातिर मैंने अपनी जिंदगी और अपने बच्चे की जिंदगी दांव पे लगा दी। सच कैसे साबित करोगे तुम? और अगर ये सच समर के सामने आ जाए तो तुम्हारा एतबार, तुम्हारी मोहब्बत तुमसे रूठ जाए तो जिस तरह तुम समर की बीवी हो, उसके बच्चे की माँ हो, उसी तरह मैं भी उसकी बीवी, उसके होने वाले बच्चे की माँ हूँ। तुम्हारा ये घिनौना चेहरा उसके सामने आ जाए तो क्या करोगी मायरा? तुम ऐसा नहीं करोगी? हाँ नहीं करोगी ना ऐसा? देखो दिलकश, अगर तुमने ऐसा किया ना तो समर मुझसे नफरत करने लगेगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन प्लीज ये सच हम तीनों के बीच में दफन कर दो प्लीज। ये तो हम बाद में देखें, अभी फिलहाल तुम्हारी सास का बुलाओ उन्हें, मैं उन्हें सब खुद बताऊंगी। वो घर पर नहीं। मैं जानती हूँ सब कुछ तुमने मोहब्बत की खातिर किया है और मोहब्बत की इस जंग में हर हाल में जीतना चाहती हो तुम, लेकिन माहिरा मोहब्बत जीत का नाम नहीं है। मोहब्बत में जीत कहाँ होती है? मोहब्बत हार का नाम। सब कुछ हारना पड़ता है मोहब्बत में, अपना सुकून, अपनी खुशी, अपने अरमान, यहां तक कि अपना महबूब भी। मैं यहां तुम्हारा जुर्म साबित करने नहीं आई माया, बल्कि ये बताने आई हूं कि मेरे पास अभी भी हारने के लिए बहुत कुछ है। अगर मोहब्बत में जीतना तुम्हारी कमजोरी है तो मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देना मेरी ताकत। बोलो समर की मोहब्बत में समर को खो पाओगे? तुम्हारा क्या हाल छोड़ती हूँ, समर की जिंदगी से दूर चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। बहुत देर हो चुकी है, समर के बच्चे की मां बनने वाली हूं मैं, और ये इस बात का सबूत है कि मोहब्बत की इस जंग में हम बराबर की फरीक हैं। बेहतर है अपनी घिनौनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। तुम्हें पता होना चाहिए था कि वो कहां गई है और कब आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आओ इधर बैठो। कहां चले गए थे तुम लोग सुबह से? वो अस्पताल गए थे
दिलकश का रूटीन चेकअप करवाने के लिए। लेकिन बेटा चेकअप तो एक घंटे में हो जाता है, अब तो रात हो गई है। तुम बोलो दिलकश, आज से पहले कभी रोक टोक की हमने? लेकिन बेटा इस हालत में तुम्हारा सफर करना ठीक नहीं। वो डॉक्टर पे रश बहुत था, हम कुछ देर पहले फ्री हुए वरना जल्दी आ जाते। अच्छा अच्छा, बेटा तुम्हारा कोई कोरियर आया है कोर्ट से? देखो क्या है बेटा? दिलकश क्या है ये बताओ। दिखाओ ना, दिखाओ मुझे। नौशी क्या है बेटा? समझ नहीं, तलाक का नोटिस मिल जाए क्या? दिलकश, दिलकश, अरे पानी लेकर आओ, दिलकश जल्दी लेकर आओ बेटा। समर ऐसा कैसे कर सकता है मेरी बेटी के साथ? दिलकश, दिलकश, जी सर वो जो आपने दुबई का नंबर दिया था मैंने उस पर कॉल की है, लेकिन उस पर कोई मिस्टर हारून नहीं है। और वो जो लैंडलाइन नंबर दिया था वो? सर वहाँ पे तो कोई कॉल पिक नहीं कर रहा। चलिए आप ट्राई करती रहिए। जी बाबू। समर कहाँ हो इस वक्त? फौरन घर पे आओ। क्यों बाबू, खैरियत तो है? नहीं बेटा खैरियत नहीं है, कोई तुमसे मिलने के लिए आया, फौरन घर आओ। जी मैं आता हूँ। ये क्या है अली मेहमद, कोर्ट का नोटिस भिजवाया है तुम्हारे बेटे ने कि वो दिलकश को तलाक देना चाहता है? क्यों? इस क्यों का जवाब मेरे पास है अंकल। समर तुम एक लफ्ज आके नहीं बोलोगे, ये बड़ों के मामलात है ना, बड़े इसे सुलझाएं तो ज्यादा बेहतर है। बाबा जिंदगी तो मेरी है ना, तो फैसले भी मेरे हिसाब से होने चाहिए। और वैसे भी अपनी जिंदगी का हर फैसला मैं अपनी दानिशमंदी के हिसाब से लेता हूँ। हाँ दिखाई दे रही है तुम्हारी दानिशमंदी, मेरी हीरे जैसी बेटी को छोड़ना तुम अकलमंदी कहते हो? आपका ये हीरा किसी और की अंगूठी में जड़ा हुआ है अंकल। समर मेरी बेटी की पाकदामनी पे इल्जाम लगाने वाले तुम होते कौन हो? इल्जाम नहीं लगा रहा, सच है। दिलकश मेरे साथ खुश नहीं है, मेरे एक दोस्त को पसंद करती है। बकवास बंद करो समर। अशफाक साहब आप प्लीज बैठे, हम बैठ के बात कर लेते हैं। मेरी बच्ची अस्पताल में है, दिलकश इस नामुराद के बच्चे की मां बनने वाली है, तो ये बदबख्त उसकी पाकदामनी पे शक कर रहा है। मेरी बेटी के सबर के नतीजे में ये समर मिलना था, तो काश वो बेसमर ही रहती। अली मेहमद अब तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी होगी इस इंसान से अपनी बेटी को आजाद करवाने की। दिलकश के औलाद के होते ही मैं इसका नाम हटवा दूंगा दिलकश के आगे से। आप दिलकश से कहिएगा कि बच्चा इस दुनिया में लाना चाहती है या नहीं लाना चाहती उसकी मर्जी होगी, चाहे तो इसे पैदा करें,
चाहे तो उससे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। शमन! उसने हमारी दिलकश पर इल्जाम लगाया है कि हमारी बच्ची उसके साथ खुश नहीं है क्योंकि ये उसके दोस्त को पसंद करती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। समर को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप जाकर उसको फिर से समझाएं। कोई नहीं जाएगा उसे समझाने, इस घर से कोई नहीं। मेरी बच्ची मेरा गुरूर है, उसने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाली है। मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाला। उसे दिलकश को आजाद करना होगा। तू घबरा नहीं मेरी बच्ची, ना तू पहले मुझ पर बोझ थी ना अब बोझ है। मैं जा रहा हूं वकील से मिलने। अब्बा, मैं एक बार समर से मिलने। नहीं बेटा, अब उसका नाम तेरी जुबान पर ना आए। तू उसके लिए मर चुकी और वो तेरे लिए मर चुका। बस अस्सी।